भोपाल में सब इंजीनियर के पद को बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने व्यापम दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि 2000 पद खाली होने के बावजूद केवल 283 पदों पर भर्ती निकाली गई है। व्यापम दफ्तर के बाहर छात्रों ने मोहन यादव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं का कहना है कि नगर निगम और PWD में हजारों पद रिक्त पड़े हुए हैं, उसके बावजूद केवल 283 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। छात्रों ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग के जरिए रिक्त पदों को भरा जा रहा है, वहीं 90% दिव्यांगों के लिए और 20% संविदा वालों के लिए पोस्ट निकाली गई हैं, लेकिन हजारों छात्र जो सिविल इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए केवल नाम मात्र की पोस्ट निकाली गई हैं। युवाओं की मांग है कि सिविल इंजीनियरिंग के पद बढ़ाए जाएं, नहीं तो आने वाले 3 सालों तक उन्हें वैकेंसी के दोबारा निकलने का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। हमारी मेन मांग ये है कि अभी परसों जो MP सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन निकला है, तो उसमें कई सारे ऐसे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट हैं जिनको नोटिफिकेशन में लिया ही नहीं गया है, चाहे वो MP UADD हो, चाहे वो MP WRD हो, MP RES हो, ग्रामीण, ये सब डिपार्टमेंट लिए गए। ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें ये लोग आउटसोर्स से रिक्रूट कर रहे हैं, पर रेगुलर बच्चों के लिए भर्ती नहीं निकाल रहे हैं ये लोग। और दूसरा जो कोर डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग के, जैसे MP PWD, MP PHE, इनमें इन्होंने क्या किया है, 91 पोस्ट निकाली है, पर टोटल 100% 91 पोस्ट इन्होंने रिजर्व कर दी है हैंडीकैप के लिए। और उसमें भी पिछले 2022 तक जब तक नोटिफिकेशन था उसमें उन्होंने क्या किया था, संविदा वालों को 20% कोटा दिया था, इसमें उन्होंने 50% कोटा कर दिया। चलो वो भी ठीक है, लेकिन 91 जो पोस्ट निकाली है कोर डिपार्टमेंट में, उनमें सब लोग जाना चाहते हैं इंजीनियर, लेकिन उसमें उन्होंने 91 पोस्ट पूरी की पूरी उन्होंने 100% हैंडीकैप के लिए रिक्रूट कर दिया। आज यहाँ पे सब इंजीनियर की जो भर्ती व्यापम ने निकाली है, इसमें नाम मात्र पदों की भर्ती निकाल कर सरकार केवल अपना खाना पर्ती करके पल्ला जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।